Hello everyone, Amit Arora from EcoVisioner. From today we are starting with the series which is titled Most Expected Questions, or you can say topics. We will be sharing with you the five most expected topics or questions from each chapter or unit. These are the questions that have been repeatedly coming in the boards. So we'll be starting with national income today and students' national income. 10 mark ka hai board mein, 10 marks in boards. And this is unit 1 of macroeconomics. We'll see 5 topics or 5 questions which have been repeatedly coming in the board exams. Aise hum har unit aur har chapter ka aapko coming videos mein sara course cover kar denge. Agar aapne ye sab questions kar liye to aapne 90% apna kaam kar liya. 10% of course your presence of mind and your knowledge of the subject will be there jo kaam aayegi. To ye topics aapko zarur cover karne hain. Chapter by we'll be discussing all these topics. To start with, the first topic which has been repeatedly coming in this chapter is GDP, GNP an indicator of welfare? ये topic अलग अलग तरीके से आता है, या तो वो comprehensively 4 points पूछ लेते हैं या फिर वो individual points को भी as a question पूछ लेते हैं. So first expected question is GDP, GNP an indicator of welfare? क्या देश का GDP बढ़ना, देश की income बढ़ना, welfare बढ़ने का indicator है? आप किसी भी book से इसका answer देख सकते हैं, it is available everywhere. Second question, which is very very important, which has been coming for years, that is treatment of items while calculating domestic income. So domestic income, students, ek hint hai aapko, domestic income mein treatment karte hue aapko khas dhyan dena hai apni territory mein. Wo category to already aapko hata deni hai jis jo category mein national income mein add nahi hoti hai, like second hand goods or transfers, wo to aayenge nahi. Uske alawa aapko ye question solve karte hue you have to see that the ट्रांजेक्शन और जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी या जो भी कुछ हुआ है, क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है कि नहीं हुआ है. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नेशनल इनकम से आएगा. थर्ड इज अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन. यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बहुत बार रिपीट हुआ, इवन 6 मार्कर आया है बोर्ड में. सो कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, अगेन यहाँ पर भी एक हिंट है आपको कि आपने क्या करना है. आपको सारे वो रूल्स, स्विफ्ट जो रूल हमने बताए थे पहले आपको पिछले वीडियोस में, SWIFT को छोड़ के आपने देखना है कि रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी अर्न्ड इनकम श्योरली श्योरली आपके नेशनल इनकम में ऐड होगी. ठीक है, फिर आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे और टॉपिक पे. इट इज रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम. रियल इनकम इज अगेन नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट ईयर की बात करें तो दैट इज कॉन्स्टेंट प्राइजेस, दैट इज रियल इनकम. एंड नॉमिनल इनकम इज प्राइजेस जो आते हैं करंट ईयर के. सो नॉमिनल इनकम, नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस, रियल इनकम, इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस मीन्स बेस ईयर प्राइजेस. तो बेस ईयर और करंट ईयर, और उसमें से क्वेश्चन आता है विच इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, जिसमें आपका आंसर रहेगा रियल इनकम विद रीजंस. तो ये भी क्वेश्चन काफी रिपीट होता है. एंड फिफ्थ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज इट, ये आप जानते हैं. हालांकि पिछले कंपार्टमेंट पेपर में और इस बार के सैम्पल पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आया है, पर यू नेवर नो द न्यूमेरिकल आ जाए. पर लेवल ऑफ न्यूमेरिकल हैज बिकम ईजी. इट कैन बी आप इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से टैली करें आंसर को, नेशनल इनकम निकालें, या फिर एक कंपोनेंट मिसिंग कर देंगे आपको NDPFC का या GDP MP का और आंसर आपको दे देंगे. सो दीज आर द 5 टॉपिक्स, आई जस्ट रिपीट देम अगेन फॉर दिस. या फर्स्ट इज GDP GNP एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर. सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स वाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम. थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. फोर्थ, रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम एंड इज अ बेटर इंडिकेटर. एंड फिफ्थ, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्ट टू हैव ऑल दीज आंसर्स इन अ वेरी गुड फॉर्मैट, आपको हमने इकोनॉमिक सिंप्लीफाइड में सारे आंसर्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं. वी हैव लॉट ऑफ गुड सैम्पल पेपर्स इन दिस बुक फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन ऑफ 2020-21. फॉर दिस, फॉर बाइंग दिस बुक यू कैन डाउनलोड आर इकोविजनर ऐप. And there also you can go for free online MCQ based tests. You can get complete course video, जो टॉपिक मैंने आपसे बात की है वो सब वीडियो फॉर्म में हमारे वहाँ अवेलेबल हैं.
सब्जेक्ट बेस्ड स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल, और आपको कोई भी क्वेरी हो, एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग इको विजनर और एनीथिंग यू वॉन्ट फ्रॉम अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9953682860. थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.